बड़ी बैठक है और राज्य की तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं तो उन तमाम मसलों पर भी चर्चा जो है उस वक्त देखने और सुनने को मिल रही है। रिजल्ट जैसे कि आया उसके बाद से कि यह तय हो गया था कि एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया, सदन का नेता चुना गया और भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया। तमाम पहलू जिन पर मंथन हो रहा है उसमें चाहे आप मंत्रिमंडल का जिक्र कर लीजिए या फिर पोर्टफोलियोज का जिक्र कर लीजिए या फिर कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में व्यवस्थाओं का जिक्र कर लीजिए, कौन मेहमान होगा, मंत्रियों के साथ कितने लोग आ सकते हैं, उन तमाम चर्चाएं जो है वो इन बैठकों के दौरान देखने को और सुनने को मिल रही है। बड़ी बैठक है और चूंकि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं तो उन तमाम मसलों पर भी चर्चा जो है उस वक्त देखने और सुनने को मिल रही है। और इस वक्त की जो बैठक का जिक्र लगातार हो रहा है उसमें भी यही तमाम विषय है जिन पर बातचीत चल रही है। ये दौर तभी से शुरू हो चुका था जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा तेज हो गई थी। रिजल्ट जैसे कि आया उसके बाद से कि यह तय हो गया था कि एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और फिर अब सरकार का फॉर्मेशन क्या होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, कौन कौन से मंत्री किस किस राजनीतिक दल को मिल सकते हैं, तो उन तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो इस वक्त चल रही है। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया, सदन का नेता चुना गया और भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया। तो उसके बाद अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो उससे पहले ये बैठकें जो है वो एक इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये तैयारियां होंगी भी क्यों, क्योंकि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, तो इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिहाज से इस शपथ ग्रहण समारोह की जो चर्चा है वो अभी से पूरी दुनिया में होती हुई नजर आ रही है और उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी भी। और यही कारण है कि भारत में उसको लेकर तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के तमाम घटक दल और अन्य लोग भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत को लेकर बहुत ज्यादा उत्साही नजर आ रहे हैं। तमाम पहलू जिन पर मंथन हो रहा है उसमें चाहे आप मंत्रिमंडल का जिक्र कर लीजिए या फिर पोर्टफोलियोज का जिक्र कर लीजिए या फिर कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में व्यवस्थाओं का जिक्र कर लीजिए, कौन मेहमान होगा, मंत्रियों के साथ कितने लोग आ सकते हैं, उन तमाम चर्चाएं जो है वो इन बैठकों के दौरान देखने को और सुनने को मिल रही है। बड़ी बैठक है और चूंकि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं तो उन तमाम मसलों पर भी चर्चा जो है उस वक्त देखने और सुनने को मिल रही है। और इस वक्त की जो बैठक का जिक्र लगातार हो रहा है उसमें भी यही तमाम विषय है जिन पर बातचीत चल रही है। ये दौर तभी से शुरू हो चुका था जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा तेज हो गई थी। रिजल्ट जैसे कि आया उसके बाद से कि यह तय हो गया था कि एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है और फिर अब सरकार का फॉर्मेशन क्या होगा, किसको क्या पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, कौन कौन से मंत्री किस किस राजनीतिक दल को मिल सकते हैं, तो उन तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो इस वक्त चल रही है। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया, सदन का नेता चुना गया और भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया। तो उसके बाद अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तो उससे पहले यह बैठकें जो है वो एक इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये तैयारियां होंगी भी क्यों, क्योंकि तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, तो इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिहाज से इस शपथ ग्रहण समारोह की जो चर्चा है वो अभी से पूरी दुनिया में होती हुई नजर आ रही है और उस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी भी। और यही कारण है कि भारत में उसको लेकर तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के तमाम घटक दल और अन्य लोग भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत को लेकर बहुत ज्यादा उत्साही नजर आ रहे हैं। बड़ी बैठक है और चूंकि तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं तो उन तमाम मसलों पर भी चर्चा जो है उस वक्त देखने और सुनने को मिल रही है। रिजल्ट जैसे कि आया उसके बाद से कि यह तय हो गया था कि एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना गया, सदन का नेता चुना गया और भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल का नेता चुना गया।